नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से पालनपुर से, अभी पालनपुर में हूँ, और यहाँ से राधनपुर तक जाने वाले हैं जो 100 किलोमीटर है। बने रहे पूरे वीडियो में, और ये बस की जर्नी हम करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूँ आपको, ये मेरा होटल था जहाँ मैं पालनपुर में रुका था। ये डबल बेड और ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का, ये जैसे शीशा लगा हुआ है, ये है सब चीज़ें यहाँ पर जो हमें ज़रूरत की चाहिए वो सब चीज़ें थी। और इसका मैंने 600 पे किया। ये अटैच बाथरूम है इसमें, तो इस तरह से ये ठीक ठाक रूम 600 रुपये में बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें। आपको मेरे साथ में इस पूरे वीडियो में बने रहना है, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। और अभी हम पालनपुर के बस स्टैंड पे आ गए हैं, काफी बड़ा बस स्टैंड। और ये मेन एंट्री इसका, अंदर आने के लिए एक तरह का एक शॉपिंग मॉल बना रखा है, बहुत सारी दुकानें चारों तरफ। अभी इधर से चल के आए हैं, और ये इधर पूरा बस का रुकने का प्लेटफॉर्म। आइए देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगी, और राधनपुर के लिए गाड़ी कौन सी लगेगी, देखते हैं, बात करते हैं। और इधर ये टिकट खिड़की, और ये इंक्वायरी का ऑफिस। अभी हमने यहाँ बात कर लिया है, राधनपुर के लिए 11 बजे बस है, और अभी 10:15 हुए, थोड़ा वेट करते हैं। और 12 नंबर पे आएगी, ये सामने ही 12 नंबर है, आप देखिएगा यहाँ पे बस आएगी। और ये हमारी गाड़ी जो हमें राधनपुर तक लेके जाएगी। आइए सफ़र शुरू करते हैं।
यहाँ पर ये अभी थारा विलेज आया है जो राधनपुर से थोड़ा ही पहले है, 20-25 किलोमीटर के बाद में राधनपुर आ जाएगा। बस में काफ़ी भीड़ थी, ये हमारी बस है, काफ़ी भीड़ है। अभी यहाँ 5 मिनट के लिए ये रुकी है और फिर आगे रवाना होगी। और ये राधनपुर का बस स्टेशन आ गया है और ये हमारी बस थी जो हमें यहाँ तक लेके आई, पालनपुर से राधनपुर तक तकरीबन 115 से 20 किलोमीटर का ये सफ़र, और 2.5 घंटे में इस बस ने पूरा कर दिया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।